स्मोकिंग अगर करता है तो रिस्क सिर्फ स्मोकर को है, ये भी एक गलत धारणा है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी एक मुख्य कारण है लंग कैंसर होने का। आप देख रहे हैं हमारा खास शो, आपका डॉक्टर आपके साथ, मैं रचना बंसल। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे सुनकर ही इंसान कांप जाता है, डर जाता है। मौजूदा वक्त में कैंसर बहुत तेजी से पनप भी रहा है, इसका शिकार बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब हो रहे हैं। कैंसर कई तरीके का होता है, इन्हीं में से एक है लंग कैंसर, जिसका शिकार कई लोग हैं। आखिर ये कैसे फैलता है, आखिर ये क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सभी सवाल आज हम डिस्कस करेंगे। इस बीमारी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए देश के जाने माने डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उन सभी का हम स्वागत करेंगे और बारीकियों से हर प्रश्न का उत्तर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर जतिन सरीन, निदेशक हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी IVY हॉस्पिटल मोहाली से। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश यादव, वरिष्ठ सलाहकार हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गुवाहाटी से। हमारे साथ डॉक्टर अमोल डोंगरे हैं, वरिष्ठ सलाहकार हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी एलेक्सिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया भी कि आपने वक्त निकाला। सवालों की शुरुआत करेंगे, चूंकि कैंसर नाम सुनकर ही डर लगता है। डॉक्टर जतिन, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। डॉक्टर जतिन, जैसा कि हम वर्तमान महीने में जागरूकता बढ़ा रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मान्यता दी जा रही है, क्या लंग कैंसर पर अपने विचार आप दर्शकों के साथ साझा करेंगे? फेफड़ों के कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक आप कैसे करेंगे? फेफड़ों का कैंसर एक सबसे कॉमन किस्म का कैंसर है जो पुरुषों में और स्त्रियों में ये लगभग दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है। तो ये सबसे कॉमन किस्म का कैंसर है जो पूरी दुनिया में, ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में लोग इससे ग्रस्त होते हैं। ये जनरली जो अराइज होता है, जो हमारे विंड पाइप्स है, जिसे हम ब्रोंकाई भी कहते हैं, उसकी जो लाइनिंग होती है वहां से ये फेफड़ों का कैंसर अराइज होता है। कैंसर, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर जैसे हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं या सेल्स पहले नॉर्मली बनती हैं, उपजती हैं और उसके बाद अपने टाइम के बाद अपना फंक्शन करके वो मर जाती हैं। कैंसर सेल अपने टाइम पे मरता नहीं है और ये खराब किस्म की जो कोशिकाएं हैं ये एक्यूमुलेट हो जाती हैं, नॉर्मल सेल्स को रिप्लेस कर देती हैं, नॉर्मल ऑर्गन फंक्शन हो नहीं पाता और धीरे धीरे ये हमारे शरीर को बीमार करता जाता है। तो फेफड़े का कैंसर इसको कहते हैं। डॉक्टर जतिन, लंग कैंसर बीमारी को लेकर तथ्यों की तुलना में मिथ बहुत ज्यादा है जिन्हें लेकर लोग ज्यादा डर जाते हैं, एक विशेषज्ञ के रूप में आप इसे स्पष्ट कीजिए, हमारे दर्शक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लंग कैंसर का मुख्य कारण स्मोकिंग है। स्मोकिंग जो है लगभग 90% केसेस ऑफ लंग कैंसर का कारण मानी जाती है। पहले ये फिगर अराउंड 70 से 80% हम मानते थे कि सारा रिलेशन स्मोकिंग का जो है लंग कैंसर से, अराउंड 70 to 80% है, लेकिन ये चेंज हो गया 90% के करीब। मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि हम इतने टाइम से सिगरेट पी रहे हैं, अगर हम आज की डेट में छोड़ भी देते हैं तो हमारा लंग कैंसर होने का चांस तो ऑलरेडी है क्योंकि हमने स्मोकिंग इतने टाइम से की है। तो ये मिथ बिल्कुल गलत है। जैसे ही आप स्मोकिंग छोड़ते हैं, आपको स्मोकिंग छोड़ने के फायदे नेक्स्ट मिनट से शुरू हो जाते हैं और ऐसा माना गया है कि 10 साल बाद आपका लंग कैंसर होने का रिस्क 50% रिड्यूस हो जाता है एज कंपेयर टू स्मोकर। जैसे ही कोई स्मोकर स्मोकिंग छोड़ देता है और उसको 10 साल हो गए हैं तो उसका लंग कैंसर का जो होने का रिस्क है वो अराउंड 50% रिड्यूस हो जाता है कंपेयर टू यूजुअल रिस्क। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत धारणा है कि अब इस उम्र में हम स्मोकिंग छोड़ के क्या करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली कुछ लंग कैंसर के पेशेंट भी स्मोकिंग कंटिन्यू रखते हैं अनफॉर्चुनेटली, कि भाई अब मरना तो है ही, अब क्या छोड़ के करना है। सो दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग मिथ या गलत धारणा है।
दूसरी धारणा ये है कि यूसेज ऑफ टेलकम पाउडर या इस तरह के स्प्रेज, इससे लंग कैंसर होता है। ऐसा कोई डेटा नहीं है कि इन सब चीजों से लंग कैंसर होता है। हाँ, अलबत्ता कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि एस्बेस्टोस हो गया या विनाइल क्लोराइड कुछ फैक्ट्रीज में यूज होता है, उसके फ्यूम्स हो गए, या रेडॉन एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसकी वजह से जरूर लंग कैंसर हो सकता है। तीसरा ये कि स्मोकिंग अगर करता है तो रिस्क सिर्फ स्मोकर को है, ये भी एक गलत धारणा है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी एक मुख्य कारण है लंग कैंसर होने का। यानी कि लंग कैंसर जो स्मोकर है उनके परिवार जनों में, उनके क्लोज रिलेटिव्स में, जिस एनवायरमेंट में वो रहता है उनके कोलीग्स में भी उसका रिस्क बढ़ जाता है। आजकल ई सिगरेट्स चलती है, लोग सोचते हैं कि वो ई सिगरेट्स सेफ है, मतलब वो एरोसोल्स और वेपर जो वो यूज करते हैं वो लेंगे तो कैंसर का रिस्क इतना नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है, उन एरोसोल्स में भी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं जो कि एकदम बिनाइन नहीं है, और यूजली ई सिगरेट्स के बाद लोग प्रॉपर स्मोकिंग पे ही उतर आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मैरिजुआना स्मोक करने से वो क्या कहते हैं कुछ नहीं होता। हाँ, टोबैको स्मोक करने से जरूर होता है। जो मैरिजुआना स्मोकर हैं वो टोबैको स्मोक या दूसरी किस्म की स्मोकिंग भी उतनी ही करते हैं, ऐसा नहीं है कभी उसे मैरिजुआना नहीं मिला तो दे विल स्मोक सिगरेट बिकॉज इट इज इक्वली एडिक्टिव। सम पीपल से कि जो कम लाइट सिगरेट्स है या मेंथोल वाली सिगरेट है वो ले लेते हैं, तो वो इक्वली डेंजरस है, ये सब चीजें इक्वली डेंजरस है। सो मेरी यही लोगों से एक रिक्वेस्ट कह लीजिए कि अगर आपने अपना जीवन बचाना है और लंग कैंसर से दूर रहना है तो डे वन पे अभी स्मोकिंग छोड़ दीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। डॉक्टर जतिन, जैसा कि आपने हाई रिस्क वाले मरीजों का जिक्र किया, कोई कैसे समझे कि वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ गया है, कैसे उसे जांच कराने का मौका मिल पाएगा? हाई रिस्क कैटेगरी जैसे मैंने बताया कि जो लोग करीब 20 साल से स्मोकर हैं या चेन स्मोकर हैं,